गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज बात करेंगे निमोनिया की, फेफड़े में इन्फेक्शन के कारण, लक्षण, इलाज को समझेंगे, कैसे पहचानना है और कैसे बचना है, इन सब विषयों पे इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं निमोनिया, जिसको फेफड़े का इन्फेक्शन बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है कि शरीर में दो फेफड़े होते हैं, दायां और बायां, जिसके अंदर एयर स्पेसेस होते हैं। इसका काम ऐसा होता है कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन को ले जाना और शरीर के कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। अगर इन्फेक्शन की वजह से इस फेफड़े के अंदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाएँ, पस सेल्स आ जाए, पानी भर जाए, बैक्टीरिया आ जाए, तो इसी को निमोनिया बोलते हैं। मेडिकल टर्म में इसको हम लोग बोलते हैं कंसॉलिडेशन ऑफ लंग पैरेन्काइमा, मतलब जो फेफड़ा है उसमें एयर की जगह, जो हवा की जगह है, अब वहाँ पर पानी, इन्फ्लेमेटरी सेल्स, बैक्टीरिया, ये सारे आ गए। तो ये हो गया निमोनिया। अब ये निमोनिया एक लोकेशन पे हो सकता है या मल्टीपल लोकेशन पे हो सकता है, या एक तरफ का पूरा लंग इन्वॉल्व कर सकता है, दोनों तरफ का लंग इन्वॉल्व कर सकता है। इस तरीके से उसकी सीवियरिटी होती है। और इसमें मोटे तौर पे जो मरीज़ है उनको दो समस्याएं आएंगी। एक तो अगर निमोनिया ज़्यादा लंग को अफेक्ट कर लिया है, उससे ऑक्सीजन के शरीर में कमी होने लगे, क्योंकि ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस वो कम हो जाएगा, हैम्पर होगा। और दूसरी समस्या आएगी कि चूँकि शरीर के अंदर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ गए हैं, इसलिए बुखार का आना और उससे संबंधित शिकायत मरीज को आती है। अब बात करते हैं कि निमोनिया किसी व्यक्ति को क्यों हो जाती है। निमोनिया किसी व्यक्ति को होने का जो प्रमुख कारण है कि शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यूनिटी किसी व्यक्ति की कम हो जाए, या तो जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, वो ज़्यादा वायरुलेंट है। ये दो प्रमुख वजह हैं। किसी की इम्यूनिटी कम हो जाना ऐसे केसेस में हो सकती है जैसे किसी की उम्र ज़्यादा है, 65 साल से ज़्यादा की व्यक्ति की इम्यून सिस्टम कमज़ोर रहता है, या किसी व्यक्ति को लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कीमोथेरेपी की दवाइयाँ चल रही हैं, स्टेरॉइड की दवाइयाँ चल रही हैं, ऐसे लोगों की प्रतिरोधक क्षमता कम रहती है। ऐसे केसेस में इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, निमोनिया के चांस बढ़ जाते हैं। और ऐसे व्यक्तियों में भी निमोनिया के चांस बढ़ जाते हैं जैसे जिनको सिगरेट स्मोकिंग की आदत होती है, उस केसेस में फेफड़े ख़राब रहते हैं, जैसे किसी को अल्कोहल पीने की आदत है उसमें शरीर कमज़ोर रहता है, या कोई खाना अच्छे से नहीं खा रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि फेफड़े के अंदर दूसरी बीमारियाँ पहले से हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट में जो हमारा पर्यावरण है उसमें पोल्यूशन के कारण सिल्कोसिस है, एस्बेस्टोसिस है, या जो धुएँ की समस्या है, चूल्हे का धुआं हो सकता है, गाड़ियों का धुआं हो सकता है, फैक्ट्री का धुआं हो सकता है, जो माइंस होती हैं, कोल माइंस हैं, दूसरे भी डस्ट वगैरह, इनसे फेफड़ा ख़राब हो सकता है। किसी को टीबी की बीमारी हो तो ऑलरेडी फेफड़ा ख़राब है, ऐसे केसेस में निमोनिया के चांसेस बढ़ते हैं। छोटे बच्चों में निमोनिया के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये सारे कारण होते हैं, मतलब कि जो शरीर का प्रतिरोधक क्षमता है वो कमज़ोर है, उससे निमोनिया के चांसेस बढ़ते हैं। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जिस कारण निमोनिया हो रहा है, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, वो ज़्यादा अमाउंट में किसी के फेफड़े में आ जाए, या तो इस तरह का बैक्टीरिया वायरस आ जाए जो कि ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर पा रहा है, तो इन वजहों से निमोनिया डेवलप होता है। अब अगर बात करें कि कौन से बैक्टीरिया वायरस में, जो बैक्टीरिया की बात करें, ज़्यादातर केसेस में जो निमोनिया होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। 70% केसेस में, टोटल निमोनिया केसेस का 70% बैक्टीरिया से होता है, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, स्टेफलोकोकस आरियस है, इसके अलावा एच इन्फ्लुएंजी है, इसके अलावा ईकोलाई है, क्लेप्सेला है, माइकोप्लाज्मा है, क्लाइमाइडिया का इन्फेक्शन है, लिजियोनेला है। तो ये सारे बैक्टीरिया हैं जिनके कारण इन्फेक्शन होता है। वायरस की बात करें तो इन्फ्लुएंजा का वायरस है, एडनो वायरस है, रिस्पायरेटरी सिंसिशियल वायरस है, कोरोना वायरस के जैसे इन्फेक्शन हो गया, ऐसे ही फंगस और प्रोटोजोवा होते हैं। क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के कारण ये निमोनिया हो सकती है, इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि ये निमोनिया के खिलाफ जो दवाई दी जाती है वो अलग अलग होगी। अब निमोनिया किसी व्यक्ति को हो गया, इसको कैसे पहचानें, इससे शरीर में उनके क्या लक्षण आएगा। तो अगर किसी व्यक्ति को निमोनिया हो रहा है, फेफड़े में इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसमें दो तरह के लक्षण आएंगे। एक तो फेफड़े से संबंधित लक्षण आएंगे कि फेफड़ा ख़राब हो रहा है, इससे फेफड़े संबंधित लक्षण जैसे कि खांसी का आना, खांसी के साथ बलगम आ सकता है, बलगम में कफ आ सकता है, साथ सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ऐसा लग सकता है कि सांस की कमी हो रही है, चलने फिरने में, सीढ़ी चढ़ने में, कोई काम करने में सांस फूल सकती है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि सांस लेने में दर्द हो सकता है। तो ये फेफड़े से संबंधित परेशानी है। और एक जनरल सिम्टम्स हो सकते हैं जो शरीर में इसलिए हो सकते हैं क्योंकि इन्फ्लेमेटरी सेल शरीर में बढ़ रहे हैं, न्यूट्रोफिल बढ़ रहा है, बैक्टीरिया बढ़ रहा है, उस केसेस में पेशेंट को बुखार आना, इसके साथ में कमजोरी का लगना, थकान का लगना, मांसपेशियों में दर्द होना,
हिडक होना, उल्टी का होना, पसीना आना, कन्फ्यूजन होना, तो इस तरह की समस्याएं होती हैं। ज़्यादातर केसेस में जो निमोनिया का पेशेंट होता है उसमें बुखार का आना, कमजोरी लगना, भूख नहीं लगना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, सांस जल्दी भर जाना और सीने में दर्द होना, इस तरह के लक्षण आते हैं। अब बात करें जांच की कि निमोनिया को कैसे पता करना, किसी के फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया है वो कैसे पता करें। इसके लिए जो सबसे अच्छी जांच है वो है एक्सरे की, छाती की एक्सरे की जांच कराना है। नॉर्मली जो फेफड़ा होता है वो एक्सरे में काले कलर का दिखता है, ब्लैक कलर का दिखता है, लेकिन अगर किसी के फेफड़े में कहीं पे निमोनिया हो रहा है वहाँ पे वो वाइट कलर का दिखने लगता है, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाते हैं, पस सेल्स आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाता है और पानी आ जाता है, इस कारण से वो एरिया सफ़ेद दिखने लगता है। तो एक्सरे बहुत अच्छी जाँच है जिससे कितना निमोनिया है, कितनी जगह है, कितना इन्वॉल्व किया है, इन सब बारे में डिटेल्स में पता चलता है। इसके अलावा स्टेथोस्कोप से भी सुना जा सकता है कि किस एरिया में फेफड़े में निमोनिया हुआ है। निमोनिया में जो फेफड़े की साउंड है, जो लंग साउंड है, वो डिक्रीज होती है और उसकी क्वालिटी भी चेंज होती है। तो एक्सरे और स्टेथोस्कोप से जांच, ये दो महत्वपूर्ण जांचें हैं। इसके अलावा पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन का लेवल देखना है। हल्का निमोनिया है तो ऑक्सीजन का लेवल यूजली कम नहीं होता, लेकिन अगर सीवियर टाइप का हुआ है, मॉडरेट टाइप का, तो SpO2 की वैल्यू है वो कम होगी। ब्लड की अगर जांच करें तो ब्लड में CVC का काउंट बढ़ना है, न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ना है, CRP की वैल्यू बढ़ना है, ESR बढ़ना है। और इसके अलावा अगर किसी को ज़्यादा निमोनिया है उस केसेस में दूसरे आर्गन की जांच, जैसे कि लीवर पे क्या इफेक्ट आया है, एल्बुमिन का लेवल कम हो जाता है, SGOT PT के एंजाइम बढ़ते हैं, यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ता है, सोडियम की वैल्यू कम हो जाती है, तो ये सारी भी जाँचें कराई जाती है ये देखने के लिए कि निमोनिया कितनी सीवियरिटी का है। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों में जिनमें स्पुटम आ रहा है, खांसी के साथ बलगम आ रहा है, उस बलगम की जांच में बैक्टीरिया का टाइप देख सकते हैं, ग्राम स्टेनिंग करके FB स्टेनिंग कर सकते हैं TB के लिए, और उसका कल्चर कर सकते हैं, तो ये भी जांचें हैं। तो इस तरह की जांचें करके हम देख लेते हैं कि किस टाइप का ये निमोनिया है, पेशेंट को कितना इन्फेक्शन हुआ है, कितने लंग को प्रभावित किया है। अब आ जाते हैं निमोनिया के इलाज की बात करते हैं। तो निमोनिया के इलाज में हमें ये करना है कि चूँकि इसमें कोई माइक्रोबियल एजेंट आया है जो कि फेफड़े को इन्फेक्शन किया है, तो उसको हटाना प्रायोरिटी रहती है। और उसके अलावा जो शरीर में तकलीफ़ हो रही है, जैसे किसी को बुखार हो रहा है तो बुखार की दवाई, किसी के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उसको ऑक्सीजन दे दिया जाएगा। निमोनिया में या किसी भी फीवर में अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो शरीर में पानी की कमी होती है, तो ज़्यादातर केसेस में फ्लूइड चढ़ाना है, पानी देना है। और एक और महत्वपूर्ण बात है, रेस्ट करना है, क्योंकि फेफड़ा जब कमज़ोर रहता है तो आप कोई भी काम करोगे उसमें शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन लगेगी, इसलिए अगर निमोनिया है तो कंप्लीट बेड रेस्ट करना ये भी एक इलाज का पोर्शन है। और हाइड्रेशन मेंटेन करने के बाद, ऑक्सीजन मेंटेन करने के बाद, रेस्ट देने के बाद, जो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट देना, एंटीबायोटिक देना। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सीवियरिटी के हिसाब से ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट डिसाइड करे जाते हैं, बहुत अलग अलग तरह के आते हैं, जैसे कि एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेरिथ्रोमाइसिन है, ये माइल्ड केसेस में, और ज़्यादा सीवियर इंटेंसिटी का लग रहा है या लग रहा है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड है, हॉस्पिटल में हुआ है, रेजिस्टेंस टाइप का होगा, तो उसमें फिर दूसरी दवाइयाँ जैसे कि क्लिंडामाइसिन है या लाइनिजोलिड है या पिप्रासिलिन टेजोबैक्टम है या मेरोपिनम है, तो इंजेक्टेबल दी जा सकती हैं सीवियरिटी के हिसाब से। ये बहुत तरह की एंटीबायोटिक्स होती हैं जो असेसमेंट करने के बाद कितना सीवियर निमोनिया है उस हिसाब से दिया जाता है। यूजली 7 से 10 दिन तक ये इलाज चलता है, उससे पेशेंट को आराम मिलता है। और जैसे अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन है, जैसे कि इस समय कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है या दूसरे एडनो वायरस है, राइनो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, इन सबसे भी वायरल निमोनिया होती है, तो वायरल निमोनिया में ज़्यादातर एंटी वायरल मेडिसिन तो आती नहीं है, लेकिन एंटीबायोटिक इसलिए दे दिया जाता है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो जाए, उसमें भी सेम ही ट्रीटमेंट चलता है। अब इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह समझनी कि अगर किसी को फंगल निमोनिया हुआ, जैसे कि एस्परजिलोसिस का इन्फेक्शन होता है, उसमें फिर ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा चलेगा, उसकी दवाइयाँ भी अलग आती हैं, एंटी फंकल दवाइयाँ आती हैं, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि एक दवाई देने से पेशेंट को रिस्पांस नहीं आया, फिर दूसरी दवाई चेंज करनी रहती है। तो एंटी माइक्रोबियल दवाई चलेगी, इन्फेक्शन सबसाइड हो जाएगा, अपने आप जो फेफड़ा ख़राब था वहाँ से सेल्स चले जाएंगे, इन्फ्लेमेटरी सेल चले जाएंगे, वहाँ से जितने भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह ठीक हो जाएंगे और पेशेंट फिर ठीक हो जाएगा। तो ये निमोनिया का इलाज होता है। थोड़ा सा अगर बचाव की बात करें कि निमोनिया से कैसे बचा जा सकता है, स्पेशली जो छोटे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है या बुजुर्ग हैं जो कमज़ोर हैं, क्रोनिक बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको सलाह ये दी जाती है कि चूँकि इन्फेक्शन ये एक व्यक्ति के फेफड़े से दूसरे व्यक्ति में जाता है,
तो जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है जिसको निमोनिया है उससे बचना प्रायोरिटी होनी चाहिए। मास्क लगाएं, हाथ धोएं। इसके अलावा वैक्सीन आती है न्यूमोकोकल की आती है, एच इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन आती है, ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है सीजनल फ्लू उसकी वैक्सीन आती है, तो वो लगवाएँ। न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए जिसमें प्रोटीन हो, विटामिन सी हो, विटामिन डी हो। रिस्क करना चाहिए, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने की सलाह दी जाती है। साफ़ सफाई का ध्यान रखें, धूल से, डस्ट से, गाड़ियों के धुएं से, घर के अंदर जो कोयले या चिमनी से बहुत सारे लोग खाना बनाते हैं, इन सब से दूर रहें, इन सब से बचने की कोशिश करें। ऐसे लोग जो माइंस में काम करते हैं, खदानों में करते हैं, पत्थरों की खदानों में, कोयले की खदानों में, कोई और खदानों में, उन सब एरिया से बचना है, फेफड़े को बचाना है। तो ये निमोनिया का प्रिवेंशन होता है। तो ये निमोनिया फेफड़े के इन्फेक्शन के बारे में जानकारी थी। आई होप कि आपके जितने भी इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे उनके जवाब मिलेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच।